मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू नीड टू हैव इफ यू हैव एन ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन. सो लेट्स गेट टू इट. स्किन टाइप कोई भी हो, उसका स्किन केयर रूटीन इज प्रीटी सिंपल, प्रीटी बेसिक. CTM करना है हमें, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. इसके अलावा मैं इस पर कुछ नहीं और बताऊंगी, बिकॉज दिस इज द बेसिक. यू नीड टू गेट द बेसिक्स राइट. नो नथिंग फैंसी, जस्ट वेरी बेसिक जो है कॉलेज गोइंग टीनेजर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, ये लोग सब यूज कर सकते हैं. सो बिफोर यू स्टार्ट क्लींजिंग योर स्किन, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, बिकॉज जो डर्ट हाथों में होगा वही डर्ट हम अपने फेस पर डालेंगे तो इट्स नॉट गोना हेल्प अस. सो मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन एंड देन डाइव इन टू क्लींजिंग. सो देन इफ यू आर यूजिंग मेकअप, इवन इफ यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ कंसीलर और थोड़ा बहुत भी मेकअप, ब्लश एंड ऑल दैट, टेंट एंड ऑल दैट, वो रिमूव करने के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर इज दिस. दिस इज गार्नियर्स मिसेलर वाटर, मिसेलर क्लेंजिंग वाटर. इट्स अमेजिंग टू रिमूव मेकअप, इट क्लेंजेज एंड सूट्स एंड यू रियली डोंट नीड टू रिंस ऑफ. बट इसकी मत सुनो, यू नीड टू रिंस ऑफ, ओके? यू नीड टू क्लीन योर फेस आफ्टर. सो दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली पॉकेट फ्रेंडली. ये तो एक बहुत बड़ी बॉटल है, तो दिस इज फॉर 349. आई मीन इतनी बड़ी बॉटल है, इट्स 400 ml एंड इट्स फॉर 349 एंड आई एम श्योर कि मैंने इसको नायका पे सेल पे खरीदा था, तो इट मस्ट हैव कॉस्टेड मी अराउंड 280 और 290 रुपीज. बट इसका तुम छोटे पैक से स्टार्ट कर सकते हो इफ यू आर स्केप्टिकल अबाउट इट. बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लेंजिंग वाटर आउट देयर फॉर एक्ने प्रोन स्किन, लेट मी टेल यू. एंड या जितने भी प्रोडक्ट्स मैं मेंशन करूंगी उनके लिंक्स नीचे होंगे, वो अमेज़न लिंक्स होंगे, एफिलिएट लिंक्स होंगे. सो इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट इफ यू बाय थ्रू देम आई माइट गेट अ लिटिल कमीशन टू हेल्प support my journey. So yeah, you can go through the links. Coming back to cleansing, all right, since you have oily and acne prone skin, I would suggest that you use gel based or cream based cleansers, right? So one of the cleansers and one of the face washes that really helped me clean my skin, really helped me, you know, tone down my texture on the forehead and here and there and thode bahut acne scars, jisne mujhe meri madad kari, that is the Face Shop's Rice Water Bright Foaming Cleanser. Alright, now this tube is 150 ml and ये थोड़ा expensive है, ये कुछ 600 या 650 rupees का पड़ता है, but buy it on sale, I'll always say that. But this is something worth investing into because this really delivers. तुम्हारी skin काफी soft हो जाएगी and I'm not even kidding. ये मैंने पुरानी videos में भी बोला होगा, insta पे भी मैंने बहुत बार बोला है कि this face wash has changed my life, it has you know made my skincare routine really simple. And I'm a big believer of double cleansing, like washing your face twice, you know, twice in a row. So I use Cetaphil oily skin cleanser as well because it is specifically for oily acne prone skin. Yahan likha hua hai, it removes excess oil, it's so free, it's non-irritating and it's hypoallergenic. So it's amazing for you know sensitive skin, जिनको थोड़ी बहुत भी allergies है. Cetaphil is something जो doctors भी बहुत ज़्यादा recommend करते हैं, but मैंने तो अपनी मर्जी से use करना start किया था because after watching a lot of YouTube videos. So this is the second cleanser that I use in my double cleansing routine. Then if you want to go with another brand, there is this brand called Plum Goodness. You must have heard of it. ये है green tea pore cleansing face wash. All right, so this is quite good. इसका best part क्या है कि मुंह धोने के बाद ना my face does not feel oily. It's like very matte and soft finish. So you can try this as well. And the next cleanser that I'm gonna talk about is a little bit expensive. ये भी मुझे brand ने भेजा था, but I am glad कि ये मुझे किसी ने भेजा and I got to try it because I really felt a change in my skin. It's My Glam's Glow. I don't know how to spell this. Iridescent Brightening Foam Cleanser infused with Rosehip Oil Vitamin Elixir. So मैं इस पर इतना emphasize क्यों कर रही हूँ? Because जो Rosehip Oil होता है, that is like you know specifically targets your acne scars and pigmentation and the texture on your face. This is not sponsored at all, but this really helped me, you know, tone down the texture from here. This is for 995 rupees on their website. If you have tried everything and nothing has worked, ek baar ye zarur try karke dekh lena. Now we'll be talking about toners. I accidentally started using Biotic's cucumber toner, which is this one. It really is like amazing. It's for
normal to oily skin. So anyone can use it, not just acne prone and oily skin wale log. It's quite soothing, iski smell bahut achhi hai and it's very light on your face. But kyunki main isko almost 2 saal se use kar rahi thi, it stopped working on my skin. Matlab mujhe aisa lag raha tha, maybe you also feel that way, I don't know. So main ab isko use nahi karti, but it did deliver what it says. But what I use now is प्लम्स ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर. तो मैंने इंस्टा पे तुम सबसे पूछा था कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस बायोटिक वन एंड आई वॉन्ट टू ट्राई न्यू वन. आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड ओ माई गॉड, आई डोंट नो मैंने कब इसको स्विच पहले क्यों नहीं कर लिया, बिकॉज इट रियली ओवर नाइट, आई एम नॉट किडिंग, ओवर नाइट आई फेल्ट दैट माई स्किन वॉज अ लिटिल सॉफ्टर देन द डे बिफोर. एंड देन अब मुझे इसको यूज़ करते हुए 10 डेज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं. आई एम रियली हैप्पी विद इट. ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, मेरी स्किन ऑयली बिल्कुल फील नहीं होती. फॉर मतलब 4-5 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद आई स्टार्ट टू फील दैट माई स्किन हैज़ टर्न ऑयली, बट इट रियली वर्क्स. सो क्लेंजिंग डन, टोनिंग डन, नाउ कम्स मॉइस्चराइजर. वॉट रियली वर्क्ड नाउ इज दिस. तो तुमने बहुत ब्लॉगर्स को इसको प्रमोट करते हुए देखा होगा. लेट मी टेल यू, वो प्रमोशन नहीं था, दैट इज लाइक रियल रियल डील. ओके, पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, इट हैज विटामिन ई, ग्लिसरीन, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज नियासिनामाइड इन इट. ओके सॉरी, आई कैंट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली. इट हैज नियासिनामाइड विच इज गुड फॉर पीपल हैविंग एक्ने. ओके, नियासिनामाइड एक्चुअली यू नो लाइक स्मूथ डाउन योर टेक्सचर, एक्ने स्कार्स में हेल्प करता है. हियर इज द प्राइस. Okay, so you should get this. It's really soft on your skin. It's really light also. Plus, it comes in a beautiful tub. Oh, okay, aadha already khatam ho chuka hai. So I love it and it like suits my skin well. Then main ek sunscreen use karti hu. Wo main pichle 7-8 mahino se sunscreen use kar rahi hu and it's quite good. Bilkul bhi mere face pe white shadow nahi aati. Like jo ek sunscreen lagane ke baad ek white base aa jata hai na, wo nahi aata. It's I use this. ओके, इट्स पॉन्ड सन प्रोटेक्ट SPF 50 एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप. एनी वन कैन यूज इट, इवन बॉयज इफ यू आर वॉचिंग प्लीज यूज सनस्क्रीन, यू नीड टू यूज इट. इट्स 329 फॉर इतना सा बॉटल, बट इट विल लास्ट यू फॉर अराउंड 4 months ईजीली. डू दिस एवरी डे इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड. ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, इवन इफ यू फील लाइक कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना, एटलीस्ट यूज दिस. दिस इज लाइक द मैंडेटरी प्रोडक्ट इन एवरी स्किन केयर रूटीन. So this concludes all the products. मतलब और भी हैं. So this concludes my video. These are all the products that you must have with you if you are, you know, dealing with acne or oily skin. And yeah, so ये वो products हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी है. And I really wanted to share that with you so that you know you don't have to really suffer. You can just you know buy any of these products and you know start applying it on your face. I mean, if you're skeptical, face ke thode is area mein use kar sakte ho, just to test it out, patch test kar lo. But I would recommend, you know, giving them a shot. If you like the video, please subscribe. If you're new to my channel, thank you for watching this video. It really means a lot. And yeah, see you next time. Subscribe.